जनाबे सदर और मौजूद उस्तादा कराम और बाबे इल्मो दानिश और इल्म के समुंदर की उभरती हुई लहरों अस्सलाम। मिल्लत का पासिबा है मोहम्मद अली जना, मिल्लत का पासिबा है मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्म और जान है मोहम्मद अली जना। लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, ऐसी कड़ी गवा है मोहम्मद अली जना। सदरे अली वकार, आज मेरा मौज़ू सुखन है कायद आलम मोहम्मद अली जना। अली वकार, इतने कम वक्त में इतनी अजीम शख्सियत का अहाता करना मेरे लिए कड़ा इम्तिहान है। 25 दिसंबर 1876 बरोज इतवार पैदा होने वाला बच्चा कायद आलम मोहम्मद अली जना, किसे पता था वो कल को बाबा एक कौम बन जाएगा। अजमत क्या है, कैसे मिलती है, इस बारे में अकवाल तो मिल जाते हैं, लेकिन अजमत का बुनियादी असूल ये है कि बेवर्स और बेलोस होकर इज्तमाई फलाह के लिए ऐसे काम अंजाम दिए जाएं जिनसे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचे। कायदे आज़म भी अजमत के इन्हीं असूलों पर फलाह करते थे। उनकी शख्सियत, नफासत, खुददारी और खुद एहतमती लफ्जों में बयान करना मुश्किल है, बल्कि मैं तो कहूँ कि नामुमकिन है, क्योंकि जिन सब तवक्को जिन सब जवाबत की तवक्को वो दूसरों से किया करते थे उनकी पाबंदी पहले खुद किया करते थे। इसकी मिसाल पाकिस्तान के कबीने के एक इजलास में मिलती है। इस इजलास में कायद आजम भी मौजूद थे। एडीसी गुल हुसैन ने कायद आजम से पूछा कि सर, इजलास में मौजूद बुजुर्ग को चाय पेश की जाए या कॉफी। आपने चौंक कर सर उठाया और फरमाया कि वो लोग घरों से चाय या कॉफी नहीं पीकर आते, वो लोग घर जाकर चाय या कॉफी पिए। कौम का पैसा कौम के लिए है, बुजुर्ग के लिए नहीं। नूरे खुदा है कुफर की हरकत पर अंदाजन, नूरे खुदा है कुफर की हरकत पर अंदाजन, फूंकों से ये चिरा जाया न डाले। आखिर में मैं अपने मौजूद उस्ताद कराम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ना जिसको स्टेज पर आने का मौका दिया। शुक्रिया।